स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घर कैसे बनाएं। सिविल साइट नॉलेज से जुड़े अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, चुनाई कैसे करें, ब्रिक वर्क कैसे करें जो घर में क्रैक आ जाता है प्लास्टर होने के बाद। कंट्रक्टर क्या गलती करता है जो आपको समझ में नहीं आता है, पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसका प्रोसेस वीडियो लास्ट तक देखें, अभी तक सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्रैक आ जाता है प्लास्टर होने के बाद, पेंट होने के बाद क्या होता है। देखिए ये क्रैक आ चुका है, अब इसमें क्या करेंगे। घर तो आप बना दिए, कंट्रेक्टर बना के चला गया, आपको भी तो कुछ नॉलेज नहीं था। तो ब्रिक वर्क की वजह से क्रैक आ सकता है, जी जरूर आ सकता है। सिर्फ प्लम देखना है कि सही है या नहीं, यही एक जरूरी नहीं होता है कि दोनों साइड आपको प्लम देखने। इसका जो लेयर है, लेयर बाई लेयर जो मोर्टार इसमें लगा हुआ है, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, कितना थिकनेस दे, लेबल में जुड़ाई करें। देखिए लेबल में होना चाहिए, प्रॉपर लेबल में होना चाहिए, वाटर लेबल करें। इसका जो लेयर है कितना mm होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ, वीडियो लास्ट तक करें, स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो देखें। और जो पहले मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जो वीडियो आ चुका उसको भी आप जाकर देखें कि घर कैसे बनाते हैं, समझिए कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, ये मैं बता रहा हूं। ओके, ब्रिक वर्क कैसे करें आपको मैं बताने जा रहा हूं। जब आपको ब्रिक मेसनरी करना होता है, चुनाई करना होता है, इसका एक सही तरीका होता है। कंट्रेक्टर आपको वही एडवाइस देते हैं जो उनको काम करने में सहूलियत होता है, जल्दी से फास्ट काम करना उनको आदत हो जाता है। ओके, आपका बाद में क्रैक आए या कुछ हो, उनको उनसे मतलब नहीं रहता है। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जब हम चुनाई करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, तो सीमेंट का रेशियो क्या रखें, क्यूरिंग कितना दिन करना चाहिए, कंट्रोल कैसे करें, जो वेस्टेज होता है उस पे कंट्रोल कैसे करें, और प्रोसेस क्या होता है ब्रिक वर्क करने का, और कैसे हम जो क्रैक आता है, ओके, उस क्रैक को कैसे हम रोक के। देखिए जो हेयर क्रैक आया है, ये ब्रिक वर्क के कमी के वजह से आया है, प्रॉपर वे से ब्रिक वर्क नहीं किया गया, इसको कंट्रोल करना है। क्रैक आपका फुटिंग का सेटल डाउन से भी होता है, लेकिन हम ब्रिक वर्क के वजह से क्रैक ना आए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो देखिए क्रैक पे कैसे कंट्रोल करें, जैसा कि आपने वीडियो में देखा उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए ब्रिक वर्क का मेथड कैसे करना है। ब्रिक वर्क मान लिया जाए आपको चुनाई करना है, ब्रिक वर्क करना है, 8 इंची वाल हो या 9 इंच हो या 10 इंच हो, ओके, हाफ ब्रिक वर्क होता है एक, यानी कि आपका 4 इंच का वाल होता है, एक 5 इंच का वाल। ब्रिक का साइज पे डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए 10x5 का ब्रिक है तो एक 10 इंच का वाल होगा, एक 5 इंच का वाल होगा, 8 इंच का है तो 4 इंच का और 8 इंच का, ओके। तो 4 इंच का अगर ब्रिक वर्क करते हैं या 5 इंच का ब्रिक वर्क करते हैं तो एक दिन में आप 3 से 4 फीट से ज्यादा हाइट का ब्रिक वर्क न करें। कितना आपको 3 से 4 फीट हाइट जुड़ाई करना है, चुनाई करना है। जब कंट्रेक्टर को देते हैं तो ये 6 फीट 7 फीट कर देते हैं, इसका भी वेट होता है, आपका सेल्फ वेट होता है। तो पहला नंबर आप 3 से 4 फीट करें, चाहे आप 4 इंच का वाल हो या 9 इंच का वाल हो या 10 इंच का वाल हो, ओके। आपका हाइट कितना करना है, 3 से 4 फुट ही करना है एक दिन में, ओके। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये क्रैक से भी बचेंगे। हम बताते हैं इसका जो अधिक, अगर मान लीजिए 9 फीट का चुनाई है, 9 फीट आप कर देंगे तो इसका सेल्फ वेट होगा, तो नीचे का जो लेयर होगा, मान लीजिए आज ही का चुनाई है तो ये जो 10 mm का जो गैपिंग होता है, वेट आएगा तो ये क्या होगा, श्रिंकेज करेगा तुरंत, तो इसमें सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो इसलिए आपको कितना करना है, 4 फीट ही करना है चुनाई एक दिन में। आप कंट्रेक्टर को बताएं ये क्या करेगा, 8 इंच का वाल या 10 इंच का वाल होगा, पूरा एक दिन में उठा देगा, उसको सहूलियत है काम करने में, स्पीड आपको दिखेगा, आपको बोलेगा हम जल्द काम कर देंगे, जी नहीं, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। और बात करते हैं इसका
रेशियो की मैं बात करूं, सीमेंट रेशियो की कितना होना चाहिए। देखिए अगर 4 इंच या 5 इंच का वाल अगर चुनाई कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो 1:5 का रेशियो यूज करना है आपको। कितना? 1:5 सीमेंट होना चाहिए। अगर वही 8 इंच का है या 9 इंच का वाल है या 10 इंच का है, ये आपको डिपेंड करता है ब्रिक के साइज पे, तो ये आपको 1:6 यूज करना है। 1 क्या हो गया? सीमेंट। और ये 5 क्या हो गया? सैंड। यानी कि आपको 5 धमेला, मान ली बैग से मेजर कर रहे हैं, यानी सिंपल बात में समझिए कि एक बोरी अगर सीमेंट यूज हो रहा है तो 5 बोरी सैंड यूज होना है, 4 या 5 इंच का वाल का, ये आपका रेशियो है, ध्यान दीजिए। कंट्रेक्टर तो बिना मेजर किए ही बना देते हैं, अरे मेजर करने की जरूरत नहीं ये बोलते हैं, लेकिन ध्यान दे ऐसा ना हो, मेजर ही कराएं आप, ओके, तभी आपका स्ट्रेंथ आएगा। क्यूरिंग पीरियड मैं बता दूं, क्यूरिंग पीरियड अगर आपको करना है तो कम से कम 10 डेज आपको क्यूरिंग करना है कंटिन्यू, आपको सुबह शाम और दोपहर। समर सीजन है तो हर टू आवर पे आपको करना है, एवरी 2 आवर पे, 3 आवर पे समर सीजन में करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि विंटर सीजन है तो दिन में 2 से 3 बार क्यूरिंग कर सकते हैं। उसका जो मॉइस्चर होता है ना, उसको ड्राई नहीं होने देना, ड्राई कंडीशन, तभी आप स्ट्रेंथ इसमें गेन कर पाएंगे, ओके। देखिए वेस्टेज क्या होता है, वेस्टेज पे कंट्रोल कैसे करें, ये भी होता है। तो वेस्टेज भी कंट्रोल, जब भी कंट्रेक्टर आपको मसाला बनाते हैं तो देखिए कम से कम एक साथ एट ए मास में मसाला 5 बोरी 10 बोरी के ना बनाए, कम जितना ही वर्क हो उतना ही मसाला बनवाए और पूरा यूज कराए। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि एक बार जो मसाला मोटार बना लेते हैं, सीमेंट सैंड का मिक्सचर करते हैं, भर दिन उसी से जोड़ते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जो मसाला बनना चाहिए आपको कम से कम 3 आवर के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए, जो भी बना हुआ है, और फिर दोबारा बनाए। लेकिन कंट्रेक्टर आपको 6 आवर काम करते हैं दिन भर, तो एक बार बनाएंगे सुबह मॉर्निंग में, वहीं शाम तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं, 3 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो वेस्टेज पे ऐसे कंट्रोल करेंगे, जो जो गिरेगा वेस्टेज होगा वहां नीचे आपको क्या करना है, बॉडी जो सीमेंट बॉडी बिछाया फिर इसको यूज कराइए, ओके। ब्रिक वर्क का प्रोसेस में बताया कि जब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्रैक को कंट्रोल करने के लिए हम 3 से 4 फुट जोड़वाएंगे, 4 इंच हो या 8 इंच। 4 इंच का और 5 इंच का जो वाल है, वाल 4 इंच या 5 इंच का जो वाल है, आपको 3 फीट के बाद एक एक कंक्रीट का लेयर डालना है, कंक्रीट का लेयर डालना है। इसका रेशियो रहेगा 1:2:4 सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, ताकि क्रैक से रोक के, ध्यान दीजिए क्रैक को रिड्यूस करने के लिए, ये क्रैक नहीं होने देता, लेकिन कंट्रेक्टर ऐसा नहीं करते हैं। और इसमें हो सके तो आपके पास है तो स्टील आपका यूज करें, सरिया यूज करें 10 mm का, या 8 mm पड़ा हुआ है तो आपका 8 mm का, जो भी स्क्रैप पड़ा हुआ है आप इसमें डाल सकते हैं, ये कंक्रीट का लेयर है। इसका जो थिकनेस है आपको कितना रखना है, आपको मैं बता दूं कि कम से कम 3 इंच रखना है, इसका थिकनेस कितना रखना है, 3 इंच रखना है। अगर 8 इंच वाल पे करते हैं तो और बेटर है, 8 इंच वाल पे भी करते हैं तो क्रैक को रोकता है, ओके। और ध्यान दिए, जो एक ब्रिक, जैसे ये ब्रिक हो गया और एक ब्रिक का जो गैपिंग होता है, लेयर बनता है, 10 mm से ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या करते हैं, मेसन जोड़ाई करते समय ये 1 इंच तक गैपिंग दे देते हैं, 1 इंच, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर श्रिंकेज होगा, ड्राई होगा, तो तुरंत आपको क्रैक डेवलप कर सकता है, ओके। अब बात करेंगे आपको कि ये क्रैक को तो रोक दिए, ब्रिक का प्रोसेस मैं बता दिया, ब्रिक वर्क का प्रोसेस कैसे करना है, 3 से 4 फीट ही जोड़ाई करना है और 10 mm से ज्यादा गैप प्रोवाइड ना करे। और दूसरी बात ये क्या होता है, आपका हर मतलब मान लीजिए 9 फीट जोड़ना है, यानी मान लीजिए 7 फीट जोड़ना है, डोर का टॉप कितना होता है, 7 फीट ओपनिंग छोड़ता है, लिंटर लेवल होता है, तो आपको बीच में एक DPC प्रोवाइड करना है। इसको बोलते हैं एक्चुअली डैम प्रूफ काम नहीं करता है, ये आपका कंक्रीट है जिसका रेशियो होना चाहिए 1:2:4, तो इस तरह आपको चुनाई करना है। और जो भी गैपिंग है आपका, देख रहे हैं ये गैपिंग जो होता है, ये आर पर दिखना नहीं चाहिए, जो कितने मेसन जुड़ाई करते हैं ना तो ये आर पर दिखता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और आपको पूरा ज्वाइंट आपको अच्छे से फील कराना है कि ताकि इसमें वॉइड ना रहे, एयर ना हो,
ओके कि ये क्रैक ना हो, ठीक है। तो आपको क्यूरिंग करना, ये सब बात पे ध्यान देंगे तो आप जरूर ही आप अच्छा ब्रिक वर्क करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा मैं आपको बताऊंगा भी दिखाऊंगा भी। ओके।